शांति, मीठे मीठे विश्व कल्याणकारी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा से विश्व कल्याण का कार्य कराकर हमें भी उनके द्वारा सिखलाने वाले बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, वैरायटी सेवाएं करो, जो बातें बिगर अर्थ की हैं उन्हें करेक्ट करो, जो बातें अर्थ नहीं जिसमें उनकी करेक्शन करके करेक्ट करके फिर कर्म करें। फिर प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? अजामिल नामक एक असुर जिसने बहुत पाप किए, तो बाबा कहते हैं कि उसके जैसी गंदी बन गई है तो उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। बाबा कहते हैं उनको उस ज्ञानामृत में एकदम मान सरोवर में डुबा दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सभी ध्यान से सुनेंगे। उत्तर है, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो। और हम बच्चे बाबा की याद छोड़कर देहधारियों को या देह के संबंधियों को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पाप हो जाएगा। लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक बिंदु है, पांच विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए, पांच विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए जिस्मानी डॉक्टर तो काम नहीं आएंगे, इसीलिए क्या करना पड़े, रूहानी सर्जन की राय लेते रहना है। तो रूहानी सर्जन है हमारे मीठे मीठे शिव बाबा। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे इसकी संभाल करनी है। नंबर दो है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे, राहु की दशा माना काम विकार में फंसना, हाँ, या तो काम विकारी बनना, तो बाबा कहते हैं राहु की दशा कभी न बैठे। इसके लिए क्या करना पड़े, बाप के फरमान पर सदा चलना है। बाबा कहते बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो राहु की दशा नहीं बैठेगी। वरदान है, अपने पन के अधिकार की अनुभूति के द्वारा। अपनेपन का अधिकार हम कब रखते हैं, जब हम उनको मेरा शिव बाबा का जो संबंध है और शिव बाबा के साथ सभी बच्चों का भी संबंध है, तो हम उस ईश्वरीय संबंध से देखेंगे तो बाबा कहते हैं अपनेपन की भासना आएगी। तो अपनेपन के अधिकार की अनुभूति के द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां तो न स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना ही प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना
और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। तो हम चेक करें अपने को कि हमने अपनी हीनताएं कितनी मिटा दी हैं और कितना हम बाप की अधिकार की जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां करते जा रहे हैं। स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अक्सर ब्राह्मण बच्चों में भी कई बच्चे आपस में क्या कह देते हैं, इनका स्वभाव अलग है, इनका संस्कार ऐसा है, वैसा है, विचित्र है, हम इनके साथ नहीं चल सकते, हमारी इनकी बनती नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं तो विशेष आत्माएं हैं, तो अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।